पंजिम तो वो उसी के आगे हैं। पंजिम चर्च आपको पहले पड़ेगा, यहाँ से आपको कुछ 1 किलोमीटर डोना पावला वही है पंजिम चर्च के पास में, जो डोना पावला है। हाँ, उससे पहले मीरामार आता है, मीरामार बीच भी आप जा सकते हो। डोना पावला बीच, मीरामार बीच में क्या स्पेशल है? ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन वो उस साइड में जब क्राउड लेस रहता है। अच्छा, तो वेगेटोर भी लेस? हाँ, वो इसके जैसा ही रहता है। थैंक यू। कौन सी चर्च जा रहे हैं? अभी पंजिम चर्च चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से ओल्ड गोवा चर्च चलेंगे। एंड देन वी बिकॉज वी हैव ऑल डे, ओके व्हाट विल वी डू, वी हैव ऑल नाइट आल्सो। तो क्योंकि वैसे घूम रहे थे हम लोग, मज़े कर रहे थे बीच पे, हम लोग रात के 11 बजे तक बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा वेगेटोर बीच पे। एंड या तो अभी हम लोग जाएंगे पंजिम बीच, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे डोना पावला जो भी, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे ओल्ड गोवा चर्च एंड देन रिटर्न। क्योंकि ये वाला जो फोर्ट है दिल चाहता वाला पास में, तो हम लोग कल भी कर सकते हैं। नॉर्थ गोवा वेगेटोर में रुके थे, तो वहाँ से हम लोग पंजिम की तरफ निकल पड़े पनाजी। पंजिम चर्च जाना था हमें, हमने चूज़ किया अपना पहला डेस्टिनेशन। और नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच में बेसिकली पंजिम आता है। हमें बेसिकली चर्चेज, हमने डिसाइड किया था कि आज का दिन हम चर्चेज घूमेंगे गोवा की। गोवा में बहुत सारे फेमस चर्च हैं, उनमें से एक चर्च था जिसको इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च भी बोला जाता है। और ये बिल्कुल पंजिम में, मतलब वहाँ से ये पेट्रोल पंप है इसके, आप आगे से साइड से जाओगे तो आ जाता है। और जो जहाँ पे पंजिम चर्च, बहुत ही खूबसूरत इलाका है वो पंजिम का, गोवा का बिल्कुल मॉडर्न गोवा, जो इस लगता है कि आप एक्चुअली में गोवा के कैपिटल में आ गए हो। बिल्कुल नॉर्थ गोवा से तो बिल्कुल अलग था ये जगह। इसके ही यहीं पर सामने वो लाइन से बड़े बड़े जहाज पे कैसीनोस चल रहे थे, इस बिग डैडी और अलग अलग कैसीनो थे। मेरे पास सेंट, दिस इज सेंट सेबास्टियन रोड, रुआ डे नैटल। तो बेसिकली हम लोग अभी जा रहे हैं साइनिमा से, पता नहीं क्या शूटिंग वूटिंग लोग लेके आए। लोग चेतन फैमिली से स्कूल में यार, स्कूल है देखो तो नाइस, स्कूल है, ये घर है। आगे चलो, क्या बिल्कुल कैसे गाड़ी चलाया नहीं जी।
यहाँ पे पंजिम में ये जो रोड है, गलियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लग रहा था किसी फॉरेन कंट्री के रोड्स पे हम आ गए हैं। और हम देख रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत घर बना रखे हैं उन्होंने ओल्ड स्टाइल में। और वहाँ पे लोग, लड़के जो जेंजी हैं आज के, वो लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, वीडियो शूट करवा रहे थे, रील बनवा रहे थे। तो मेरा शायद मतलब वो जो एक आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ देखते हो, बहुत ही खूबसूरत ये गलियाँ हैं यहाँ पे, जो बहुत ही खूबसूरत, हमने भी कई फ़ोटो खिंचवाए। यहाँ पे छोटे छोटे पब्स और क्लब्स और डिस्को भी बना रखे थे लोगों ने, और रेस्टोरेंट्स बना रखे थे। साथ में कई घर ऐसे थे जिस पर लिखा था कि यहाँ फ़ोटो खींचना मना है। ऑल दो काफ़ी लोग ऑब्वियसली यू नो जेंजीज होम किसी की सुनते गए, तो बस अभी अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे, रील बनवा रहे थे। काफ़ी खूबसूरत था सब कुछ, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लग रहा था कि गोवा में ही है, बट ये एक अलग चेहरा है गोवा का, वो बीच कल्चर और बीच वाला एक अलग हिस्सा है, अलग ही लगता है। और यहाँ पे एक अलग ही फील आएगा आपको। ओके सर, यू आर हियर एट ओल्ड गोवा चर्च, नॉट दिस पंजिम चर्च। पंजिम चर्च, वी आर इन पंजिम इन गोवा, एंड हम स्कूटी से आए वहाँ पर हमने पार्क किया। एक और बात, आप जब चर्च जाओगे तो मेक श्योर कर लेना कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो लड़कियां फुल स्कर्ट में होनी चाहिए, मतलब आप शॉर्ट्स में नहीं जा सकती और ना ही हाफ स्लीव्स में जा सकती हैं। हमारे सामने कई फॉरनर्स को तो बोला कि नहीं, इवन इंडियंस भी बहुत सारे थे जो शॉर्ट्स में लड़कियाँ थी, उनको एंटर नहीं करने दिया। आपको नी से नीचे तक आपका शॉर्ट्स होना चाहिए, और लड़कों का भी सेम, वो शॉर्ट्स में नहीं जा सकते, उनको जीन्स पहन के जाना है या नीचे नी से नीचे ही उनका पैंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ड्रेस कोड भी है जो हमें वहाँ पता चला। पजामा कुर्ता पूरा पहनेंगे, फिर भी हम लोग जाएंगे, देखते भगा देंगे तो उसके बाद देखते। चर्च जाने के पहले पता होना चाहिए। हम लोग अभी ऐसे कह रहे हैं, हमारा बहुत छोटा चैनल है, लेकिन कुछ लोग हमें देख के सोच रहे हैं कि बड़े। तो अंदर जाने के लिए मिलेगा, 3 तो बज गया। ओके सो ये बहुत ही खूबसूरत चर्च था। अनफॉर्चुनेटली हमें अंदर जाने नहीं मिला, बंद था, और हमें ये बताया गया बाद में कि इसे सिर्फ संडे को खोला जाता है। एंड यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें, चर्च व्यू वहाँ से होता है, मतलब वहाँ बैठ के आप ले सकते हो। एंड ऑथेंटिक गोवन मल्टी कुजीन जॉर्ज, लेट्स गेट इनटू जॉर्ज। जॉर्ज से What is it? Should we go inside George? क्योंकि चर्च बंद था, हम वहाँ से नीचे आ गए, और ये जस्ट चर्च के सामने ये मार्केट था, बहुत प्यारा सा। ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ही खूबसूरत है यहाँ के, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि गलियों में कितने खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और जब हम यहाँ पे आए तो मैं मन किया कि गोवा के कुछ लोकल कुजीन को ट्राई किया जाए। यहाँ पे सामने जॉर्ज रेस्टोरेंट था, हालांकि आज हम नहीं खा पाए, ये बंद हो गया था, 3 बजे बंद कर देते हैं शायद। चलो यार, उन्होंने बोला कि अब 7 बजे ओपन होगा, हम यहाँ पे खाएं किसी और दिन आकर, बट आज तो नहीं खा पाए। हमारे कुछ दोस्त मिल गए थे कॉलेज के, फिर उनको भी ओल्ड गोवा चर्च जाना था देखने, तो हमने उन्होंने हमें कहा कि अगर साथ चलना है तो चल सकते हो, तो हमें लगा कि वाई नॉट, अच्छी बात है कि हमें एक और कंपनी मिल जाएगी, तो हम उनके साथ हो लिए। और फिर हम लोग साथ में ओल्ड गोवा चर्च गए। वापस कब ओपन होगा?
हाय, तो कुछ ऐसा रिकमेंडेशन, पहले आए हो? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम हाँ, गोवा में। अच्छा, कुछ ऐसा क्या हमें देखने के लिए? हम लोग तो कुछ मैप से घूम रहे हैं, तो अब देख रहा हूँ पंजिम में और कौन कौन सी जगह यार। ये बीच के बारे, इसके बारे में बहुत सुना था, चर्च के बारे में। हाँ, सुना तो था उस पे। चर्च में कुछ होता थोड़ी ना, वो तो जैसा बाहर दिख रहा है, कुर्सी टेबल होगी बस। एक ओल्ड गोवा चर्च है, ओल्ड गोवा चर्च है वहाँ पे, वो यहाँ से 10 मिनट के रास्ते पे है। तो कैसे आप लोग, स्कूटी? सेम हम लोग। आप लोग कहाँ पे? स्कूटी में भी पास में, पास में रुके हो? नहीं रुके, हम लोग रुके हैं आइबिस वेगेटॉर। तो ओल्ड गोवा चर्च जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई फॉरेन मूवी की शूटिंग हो रही हो। यहाँ पे एक यहाँ के जो प्रीस्ट थे उनका डेड बॉडी जो है उसको रखा गया है, और इट्स वे टू ओल्ड। तो वो हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, बाय बाय।